फ्रेंड्स, मैं ममता चौधरी पटना बिहार से। तो देखिए, इधर मैं ग्रो बैग मेरा जो खाली है, तो इसको किस तरह से भरते और मेरे गार्डन में जो अभी साग सब्जियां लग रही है, तो इसका मतलब कि इतना अच्छा जो फल सेट हो रहा है, तो इसका वजह क्या है, किस तरह से हम ग्रो बैग को भरेंगे, क्योंकि बड़ा ग्रो बैग रहता है, इतना मिट्टी हम लोग के पास नहीं अवेलेबल हो सकता है। तो देखिए, इधर में ये जितना भी मेरा गार्डन का जितना भी ये कचरा है, ये और पत्ता है, जितना भी मतलब गार्बेज जिसको कहते हैं, तो इतना। और इधर में देखिए, जो कि मेरा ये देखिए, ये डाब का है छिलका, जो ऊपर का जो रहता है नारियल, तो इसको इस तरह से बिल्कुल चूर कर चुके हैं। देखिए, छोटा छोटा टुकड़ा बना चुके हैं, और इसको बिल्कुल अभी इसमें ग्रो बैग में नीचे का लेयर में डालेंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए, बालू है जो कि थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, इतना बालू ऐड कर चुके हैं, और इसमें खाद मिलाते हैं। ये देखिए, जैविक खाद करके आता है, और इसको वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा किचन का ये खाद तैयार है, जो कि हम ये 2-3 महीना पहले बनाए थे, और ये बिल्कुल अब ये डिकम्पोज हो करके खाद बन गया है, जो कि मेरा किचन वेस्ट का है। ये देखिए, तो इसको हम ऐड कर देंगे इसमें। और ये ट्राइकोडर्मा पाउडर तो नहीं है, लेकिन ये ट्राइकोडर्मा पाउडर के जैसा ही है, वही काम करेगा फंगीसाइड का। तो इसमें हम डाल रहे हैं दो मुट्ठी, ये कैल्शियम का मात्रा को भी बढ़ाएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए, नीम खली, और नीम खली मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हमारे पेड़ पौधा में फंगस का प्रॉब्लम ना हो। इसको भी हम 4 मुट्ठी मिलाते हैं और सबको मिक्स करते हैं। तो देखिए, इस तरह से पहले एक लेयर इसमें मिट्टी का हम दे रहे हैं इस तरह से, और दोनों ही ग्रो बैग को साथ में ही भरेंगे। ये 12x12 है, ये 18x18 है ग्रो बैग, तो इसको हम से इस तरह से होगा ये कि गार्डन का जो पेड़ पौधा का है सूखा हुआ, उसको डाल देंगे। और इस तरह से ये देखिए, ये जो मेरा डाब का है, ये करीब 5 डाब का है इस तरह से, तो ये बिल्कुल कोकोपीट बन जाएगा 2-3 महीने के बाद। और इस तरह से देखिए, दोनों ही मिल देंगे, और इसको बिल्कुल नीचे का लेयर में डालेंगे, ताकि क्योंकि इसमें टाइम लगेगा डिकम्पोज होने में फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मेरे जो किचन का जो सब्जी वगैरह का छिलका है, उसको भी अभी हम इसमें भरेंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए, मेरे जो घर में पूजा हुआ था, तो ये जितना भी हवन का रहता है राख है वो है, और ये सब जो कि फूल रहता है वो देखिए किस तरह से हो जाता है। तो फूल अभी हम गंगा जी में तो एक भी चीज़ हम नहीं जाने देते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए, मेरा ये देखिए फूल है, जो कि हम डेली पूजा में यूज करते हैं इस तरह से। तो जितने भी फूल निकलता है, तो सब इकट्ठा करके, और जितना जो जब भी हम ग्रो बैग भरते हैं, तो उस तरह से इसको हम डाल देते हैं, या फिर जो कंपोस्ट बनाते हैं उसमें डाल देते हैं। और इधर देखिए, इस तरह से इसमें एक लेयर मिट्टी का डाल चुके हैं, ये एक लेयर मिट्टी का इस तरह से। ये देखिए, इसको फिर से हम क्या करेंगे, और जितना भी है इसको डाल देंगे ऐसे, और इसको भरने के बाद में इसमें पानी डालकर छोड़ देंगे फ्रेंड्स। और इसमें लगाने वाले हैं लौकी। मेरे गार्डन में जो इतना मिट्टी आया बन गया है, तो ये सब जितना भी किचन कंपोस्ट
किचन का ये कचरा, गार्डन का कचरा, यही सबसे मेरे गार्डन में इतना सारा मिट्टी बना है।